अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। किसी भी आउटफिट ने जिस पर भारत जम्मू एयरफोर्स बेस पर आक्रमण का आरोप लगा रहा है को स्वीकार नहीं किया है। वे आउटफिट से जिन पर भारत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर आक्रमण का आरोप लगा रहा है के पास ड्रोन के प्रयोग की ना योग्यता है तथा ना क्षमता है। जम्मू एयरफोर्स बेस पर आक्रमण संबंध अधिकतर ट्वीट्स रॉ स्पॉन्सर्ड व्यक्तियों द्वारा पोस्ट की गई हैं। भारत द्वारा ज्ञापित ड्रोन के चित्र जिनका जम्मू एयरफोर्स स्टेशन आक्रमण के लिए प्रयोग किया गया है फेक हैं। यदि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन आक्रमण भारत विरोधी बलों द्वारा किया गया होता, उन्होंने एक भवन की छत के स्थान पर हैंगर को टारगेट किया होता। भारत जम्मू ड्रोन आक्रमण के डायमेंशंस को छिपाने के लिए पाकिस्तान पर झूठा आरोपण लगाकर एक स्मोक स्क्रीन बनाने का प्रयत्न कर रहा है। मोदी भीतरी तथा सार्वभौमिक मंच पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध आरोप लगा रहा है। मोदी के नेतृत्व की सरकार अपनी भीतरी समस्याओं पर से ध्यान को हटाने के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। कथित ड्रोन आक्रमण की बोगी का प्रयोग कर भारत भारतीय रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए एक चुनौती की भावना उत्पन्न कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा लाहौर विस्फोट में भारत के सम्मेलन के ठोस साक्ष्यों की उपलब्धि के बाद भारत कथित ड्रोन आक्रमण द्वारा ध्यान को हटाने का प्रयत्न कर रहा है। आरएसएस समर्थित भारतीय सरकार लश्कर ए तैयबा तथा जैश ए मोहम्मद को झूठ ही जम्मू ड्रोन आक्रमणों में घसीट कर बदनाम करना चाहता है। मोदी को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस समय चल रही राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी पराजय नजर आ रही है तथा कथित आक्रमण पर शोर केवल प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए है। दिल्ली के साथ इस्लामाबाद के शांति प्रस्तावों की विश्व मान्यता के पश्चात वह ड्रोन आक्रमण कर पाकिस्तान पर आरोप लगाकर उस पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है। भारत का यह आरोप लगाकर के जम्मू ड्रोन आक्रमण के पीछे पाकिस्तान है, एलओसी क्रॉस एडवेंचर का लक्ष्य है।